देखो यार, पूरे सोशल मीडिया में एक तरफ मैं बिग बॉस भी देख रहा हूँ और मैं पूरा हफ्ता यही सोच रहा था कि इस बार बिग बॉस को होस्ट करने के लिए सलमान खान क्या आएगा, लेकिन भाईजान इस भाईजान वो तो आ गए हैं और उनका शूट भी कंप्लीट हो गया, अब एपिसोड आने वाला है। तो इसके बीच में जो एक लहर चल रही है पूरे ट्विटर में, हर जगह पे एक्स पे चल रहा है, हर जगह पे एक्स बोलो रेडिट बोलो हर जगह पे चल रहा है कि भाईजान भाईजान है, कि भाईजान डरे नहीं और अपने काम करने के लिए आ गए। वहीं पे एक दूसरी चीज भी सर्कुलेट हो रही है जहां पे सलीम खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा कभी भी हिरन मारा ही नहीं। मैं शॉक्ड हूं इस चीज को लेकर कि तुम्हारे ऊपर मैं हर तरह के इल्जाम लगते हैं और तुम उसमें से पूरे तरह से डिनाई कर देते हो, मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा था, मैं तो कभी हिरन मारा ही नहीं, खाना तो दूर की बात है, तो पूरे तरीके से नकार देते हैं यार। शायद लॉयर ने कह दिया होगा कि नेवर एक्सेप्ट इट, अगर तुमने माफी भी मांग ली ना भाई तो कांड हो जाना है, माफी तुम उससे मांग लोगे उसके बाद से तुम पे लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो शायद इसलिए भी हो सकता है। जहां तक मुझे पता है पठान नेवर से सॉरी कभी नहीं कहता भाई, वो कुछ और कहेगा, 2 घंटा उस चीज के ऊपर में अपनी पूरी भसड़ मचा देगा, लेकिन एक सॉरी जो 1 सेकंड लगेगा वो नहीं बोलेगा। तो सेम चीज शायद फॉलो कर रहे हैं। एक टाइम पे शाहरुख खान ने वांकडे स्टेडियम वाला सीन आपको पता होगा, वो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं थे और जब सॉरी बोला तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता था, मतलब इतने लंबे समय के बाद में कौन सॉरी बोलता है यार, उस सॉरी को लेकर क्या अचार डालोगे। तो इनडायरेक्टली इतना समझ लो, खान्स नेवर से सॉरी फॉर एनीथिंग, वो एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अपना मतलब रॉब है उनका, जाने दो। मेन में जो कहना चाह रहा हूँ कि सलमान खान अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें किए हैं एंड द वर्स्ट थिंग इज कि लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया है। देखो भाईजान के जितने भी फैन है ना, वो फैन उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके एटीट्यूड की वजह से, उनका जो अचानक से झापड़ मार देना, अचानक से आऊं क्या मैं अपनी पे, वो चीज। इसके अलावा सलमान खान जिस तरह से रिवेंज लेते हैं, उन्होंने अपने जवानी में वो सारी चीजें कर दी है यार, जब वो दम रखते थे ना, मतलब वो वाला दम, उस टाइम की बात है कि बंदा अगर तुमने उससे भिड़ गए तो तुम्हारा करियर खा जाएगा बंदा, वो खाया है बंदों का करियर यार, बंदों का मतलब पूरे तरह से ब्लैकलिस्ट करवाया, पूरा नेटवर्क उड़ा दिया भाई, तो बंदे ने किया है अपने टाइम पे। अब उस चीज की भरपाई एक एनजीओ चला करके, बीइंग ह्यूमन ला करके नहीं हो सकती उस चीज की भरपाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसको जो गाली देना है कमेंट सेक्शन पे जाकर के दे सकता है, मुझे पता वही देंगे जिनके पास में ये वाला माला पूरी तरह से खाली है, जिनके पास ये वाला माला होगा उनको समझ में आएगी मेरी बातें। तो बंदे ने अपने टाइम पे सब कुछ कर दिया है यार, कहते ना लोग अपनी जवानी में बहुत जबरदस्त होते हैं, फिर जब बुढ़ापा आता है दैट पर्सन विल बिकम हम्बल, सो हम्बल, इतने हम्बल, जैसे अमिताभ बच्चन सर की बात कर लो, तो वो आज जिस तरह से देखते हैं ऐसे करके देखते हैं और बोलते क्या बात है, अरे नहीं ये जो करते हैं, एक टाइम पे उनके ऊपर भी लांछन थे भाई कि ये हिरण के पीछे पड़ गए थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सलमान खान के ऊपर मैं आता हूँ कि सलमान खान ने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें की हैं जिसकी भरपाई इस तरह से तो नहीं हो सकती। आप जो कर रहे हो अभी दैट्स हाईली अप्रिशिएटेड, उस चीज में कोई दो राय नहीं है कि ये भाईजान जो है बुरे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सलीम साहब ने बताया कि रोजाना 500 से 600 लोग आते हैं, 700 लोग आते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर के, और उनमें से कैसे करके किसको सॉल्यूशन दे सकते हैं और हमारे हद में कितनी है उस चीज को तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये हाईली अप्रिशिएटेड है। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा खुद एक दोस्त का दूर का भाई था, उसकी मॉम को कैंसर हो गया था, वो सबसे सब कुछ मांग रहा था कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो, फिर उसको किसी ने बताया कि यार तुम सलमान खान के एनजीओ में चले जाओ, बिंग ह्यूमन के वहां पे चले जाओ, तुमको मिल जाएगा। पता नहीं बंदे ने आके बताया उसको 10,000 रुपीज मिली, तो भाई वो 10,000 बहुत बड़ी बात है उनके लिए, जस्ट लाइक जीरा, पर एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा हेल्प है। वो जो कर रहे हैं हाईली अप्रिशिएटेड, लेकिन जो उन्होंने कर रखा है उस चीज़ की भरपाई भाई, मतलब आपके पास में AK-47 वाली बात आती है, डिनाई, आपके पास में ब्लैक बक पोच का आता है, डिनाई, आपके पास में गाड़ी चढ़ाने का आता है, डिनाई, आपने बोला करियर खत्म कर दिया तो बोला मैं कौन होता हूँ, सब ऊपर वाला है, सीधा डिनाई। मतलब बंदा जो है ना तो हम जान गया अभी किस तरह से टैकल करना इस चीज को, वरना पूरा लग जाएगा। दूसरी तरफ में ये जो भाई साहब है विश्नोई भाई साहब, ये अपने तरफ से मतलब एकदम पूरा दमखम लगा चुके हैं कि 90s एंड 80s वाला वो इरा लेकर के आएंगे, डैट अंडरवर्ल्ड वाला मामला, कि आप एक फोन घुमाए चल हफ्ता डाल, तो भाई तू डालेगा। तो अभी जहां तक मुझे लगता है कि सलमान खान टारगेट सिर्फ इसलिए है कि सलमान खान आज की डेट में पूरे बॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम और सबसे जिगर वाला बंदा है, अगर किसी तरीके से इससे सॉरी बुलवा लिया, इस बंदे से अगर सॉरी बुलवा लिया तो फिर तो पूरा बॉलीवुड अपने पंजे के नीचे, समझ रहे हो। तो ये चीज करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जहां पे एक तरफ सलमान खान की बात आती है, सलमान खान जो भी है यार, लोग कहते ना तुमने जो भी किया इसी दुनिया में भर करके जाना है, सो आई थिंक दिस इज द पे टाइम, क्या बोले, तो आई थिंक दिस इज द पेज ऑफ टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं यार, ऐसा मैं उस तरह से नहीं
कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी हो या कुछ गलत हो। He's a nice person। आज के डेट में वो बंदा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत सारे चीजें किए जा रहे हैं और अपने पूरे इनकम की 90% चीजों को डोनेट कर देते हैं। सलीम खान साहब ने कहा है कि हम गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें सिक्योरिटी दे, हमें थोड़ा सा मतलब सेफ़ रखने की कोशिश करे। वो सही बात है, और आज के डेट में बता रहे हैं कि वो क्यों उनको अपने बालकनी पे खड़े रहना अलाउड नहीं है। अब वो उन्हीं की भलाई के लिए है, वो ये नहीं कह रहे कि उन पे स्ट्रिक्टनेस दिखाया जा रहा है। भाई आप पे धमकी आई है। वहीं पे अगर बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो बाबा सिद्दीकी की असासिनेशन जो हुआ था, बिल्कुल समझ लो वो टी सीरीज़ वाला सीन हो गया। एक टाइम पे दिन दहाड़े मंदिर के बाहर में, तो वो वाला सीन हो गया और ये अंडरवर्ल्ड का एरा ऐसा लग रहा है वापस आने वाला है, और ये शायद यही है। वहीं पे दूसरी तरफ में भाई कनाडा तक में भाई साहब का नाम छाया हुआ है, बिश्नोई बिश्नोई बिश्नोई। तो भाई अभी जो भी हो रहा है ना, ये सही तो नहीं हो रहा है किसी भी एंगल से। अगर ये किसी भी तरह से सक्सेस हो जाता है माफ़ी मंगवाने में या फिर कुछ अनहोनी घटाने में, तो भाई पूरा बॉलीवुड एकदम सा दब जाएगा। फिर सब बोलेंगे हाँ भाई जन, हाँ हाँ साहब, हाँ कर रहे हैं। जिस तरह से एक टाइम पे ऋषि कपूर साहब ने दाऊद इब्राहिम को कह दिया था दाऊद साहब, और उसके बाद से जो लगी थी भाई, तो शायद कुछ ऐसा हो जाएगा अगर ये चीज़ हुआ, ऐसा कुछ इस तरह से हुआ तो। कुछ भी पॉजिटिव तो भाई इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं लोगों तक, यही जाएगा कि देखा वो डर गया, देखा उसको ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक ये पूरा चल रहा है, क्या बोल सकता हूँ, लोग जाकर के कमेंट सेक्शन पे कह रहे हैं सलीम खान साहब के उस इंटरव्यू पे, सलीम खान साहब ने आखिरी में कहा कि सलमान जो है जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो किसी जानवर को मार दे, उसको खाए पका करके, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसका एक कुत्ता था और सबको पता है माई जान करके कुत्ता था, तो वो जब मरा तो बहुत रो रहा था। मैंने बोला जस्ट एक जानवर है, पर वो रो रहा था, तो वो कैसे मार सकता है, और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। लोगों का इस बयान के ऊपर मैं कहना है कि भाईजान अगर इतना प्यार करते हैं तो उनको वेजिटेरियन होना चाहिए और बहुत सारे जानवर होने चाहिए, तो उनके पास में कोई है क्यों नहीं है। पब्लिक को कुछ नहीं बोल सकते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यही अगर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बंदा अगर आवाज़ उठा दिया होता कि माफ़ी मांगना पड़ेगा वरना शो बंद हो जाएगा, तो माफ़ी मांग लेते, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आसिफ मोदी, यहाँ तक कि अपने जेठालाल जी, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली थी, बापूजी ने भी आकर के माफ़ी मांगी थी। तो हाँ, ये तो फैक्ट है, अगर महाराष्ट्र की किसी सरकार की तरफ से आया होता तो तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भाई पहले ही घंटे में मतलब नेक्स्ट डे वीडियो रिलीज होता। ये मेरा कहना नहीं है, ये पब्लिक का कहना है। कमेंट सेक्शन पे जा करके देखना है, एक्स पे, रेडिट पे, हर जगह पे लोग यही लिख रहे हैं। सो दैट्स इट, मेरा जो ओपिनियन था, जो मेरी सोच थी, मैंने वो बताया है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।